निमृत कैप्टन थी और हम दोनों को बेड शेयरिंग हो गए, हम लोग की दोस्ती वहीं से हुई। सर आप लोगों ने काफी वक्त एक साथ बिताया बिग बॉस के घर पे, हम देख रहे थे एज अ बिग ब्रदर एज अ स्मॉल ब्रदर काफी सारे टाइम आपने स्पेंड किए, कल इनका बर्थडे, क्या कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? मुझे ऐसा लगता है मैं बिग बॉस के घर में जिस दिन सब आते थे वो टनल में थे रात को 2:30 बजे, 12-13 लोग ने हेलो बोला था, फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने देखा था मुझे। यस, और मैंने नोटिस किया था उसके आम इतने बढ़े, बोला यार क्या आम देते हैं। और देखो ऊपर वाला निमृत कैप्टन थी और हम दोनों को बेड शेयरिंग हो गए, हम लोग की दोस्ती वहीं से हुई। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत दिल का लड़का है और इसकी पॉपुलैरिटी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग शिव के भी फैंस हो गए या फिर आपके भी फैंस हो जाए, काफ़ी लोग की ये इच्छा है कि आप एज अ डायरेक्टर और वो एज अ हीरो नजर आए, ये पूरी हो सकती है दोस्ती और बिजनेस कहते कभी ये नहीं होना चाहिए। बट आपको क्या लगता है शिव के ऊपर कैसी स्क्रिप्ट फिट होगी, क्योंकि काफी वो शाहरुख सर से काफी इंस्पायर्ड है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यार वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, और मैं तो इसको बोलता हूँ अभी 1 साल तक अभी वो रियलिटी शोज कर माल छाप से थोड़े खत्म हो गए रियलिटी शो से। अभी खतरों के खिलाड़ी आप कितना देख रहे हो और कितना पसंद करोगे कि टॉप 4 तक है शिव का नाम है? मैं सर का एक वो जवाब मैं देता हूँ, सर के घर पे एक मैंने मैं देखता हूँ, मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा है। हाँ अच्छी नहीं, मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा है अभी। ओके, तो खतरों के खिलाड़ी भी नहीं देख रहा? नहीं, मेरे को कोई क्लिप्स विप्स मिलते हैं तो मैं देख लेता हूँ, मैं टीवी ज़्यादा देखता नहीं, मैं फिल्में ही देखता हूँ। फिल्म कार्डियो करते करते भी फिल्में देखते हैं। सुबह आपने आज आपका बर्थडे बहुत स्पेशल मनाया, तो बच्चों के साथ उनके